हमारे स्वास्थ्य मंत्री को मैं प्रेरणा देने के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ आप हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, आपने LLB भी किया है। दैट्स वंडर। मैं हमेशा चाहता हूं कि भी एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आए ना, जो भी आप लोगों को भी जो एजुकेटेड है यू मस्ट कम, नहीं तो आज एकदम बिल्कुल कोई एजुकेशन नहीं है, हाउ दे विल कंट्रोल। और बहुत और अच्छी बात मैंने सुनी कि आप 6 बजे से लोगों को मिलते हैं, इट्स अनदर वंडरफुल थिंग कि वे लोगों के प्रॉब्लम्स है, अगर आप लोगों को मिलेंगे तभी सचमुच जान पाएंगे कि लोगों की समस्याएं क्या है। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए तो राजेंद्र सिंह को लॉ मिनिस्टर बनना चाहिए क्योंकि LLB है। जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, राजेंद्र भाई आपकी सेवाओं को देख करके तो अल्लाह भी सलाम करे। प्लीज ओम शांति, ओम शांति। आज इस गरिमापूर्ण कार्यशाला में मंच को सुशोभित कर रही परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे जैसे कई लोगों की मार्गदर्शिका के रूप में समाज को नई दिशा देने वाली आदरणीय दादी जानकी जी, परम श्रद्धेय दादी रतन मोहनी जी, बहन शिवानी जी, भाई निर्वर जी, डॉक्टर शाह साहब, मंच पर विराजमान राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य ओटाराम जी देवासी साहब, इस क्षेत्र का हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने वाले सम्मान्य देवजी पटेल, इस क्षेत्र के विधायक सोमाराम जी, इस जिले की प्रथम नागरिक श्रीमती पायल, देश प्रदेश और देश की सीमा के बाहर से आए हुए चिकित्सा पद्धति के अलग अलग क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अति विद्वान चिकित्सक बंधुओं, मित्रों और भाइयों, ये आध्यात्मिक नगरी है। सिरोही को देवभूमि भी कहा गया है। श्री बाबा और परम पूज्य ब्रह्मा देव की इस भूमि पर मैं तो सिर्फ आपका स्वागत और अभिनंदन करने आया हूं। अभी एक बहुत ही सुंदर गीत के माध्यम से बड़े डॉक्टर के घर, प्यारे डॉक्टर इधर, इसको मैं बैठा बैठा सुन रहा था। उसकी अंतिम पंक्ति में लिखा था, स्वागत में बजती शहनाइयां, दादी को देने बधाइयां, मंत्री महोदय आए हैं। मैं तो आपको मात्र बधाई देने आया हूं। चिकित्सा मंत्री के रूप में मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार इस पूज्य भूमि में आया हूं। एक वो समय था जब माननीय भैरव सिंह जी शेखावत इस राज्य का मुख्यमंत्रित्व पद पर विराजे थे, उस समय भी उनके मंत्रिमंडल में चिकित्सा मंत्री के रूप में यहां आने का मौका मिला। आज माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में बनी सरकार के मंत्री के रूप में आया हूं। बहुत लंबे समय से सामाजिक जीवन में हूं, कई कार्यशालाओं में गया हूं। चिकित्सा मंत्री के रूप में हर महीने 2-4-5 विशेषज्ञों की कार्यशाला में जाने का समय मिलता है, परंतु एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पर, माइंड बॉडी और मेडिसिंस, इस विषय की कार्यशाला में पहली बार आने का मौका मिला।
मैं डॉक्टर मेहता, डॉक्टर शाह और डॉक्टर गुप्ता जो आयोजन के साथ जुड़े उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि आपने लीक से हटकर माइंड बॉडी और मेडिसिंस इसकी व्याख्यात्मक कार्यशाला का आयोजन करके एक चिकित्सा क्षेत्र में जो आज की आवश्यकता है, क्योंकि जब भी कभी चिकित्सा मंत्री के रूप में इस प्रदेश के बीमारियों का और आज आवश्यकता जिन चिकित्सा की है उसका मूल्यांकन करने बैठते हैं, तो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक कह रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ती जा रही है। आज मारक बीमारियों के रूप में इसकी पहचान है। आज एक सर्वे बता रहा है कि हर 8 व्यक्ति में एक व्यक्ति के डायबिटीज है, हर 11 व्यक्ति में से एक व्यक्ति के हाइपरटेंशन है। कैंसर और हृदय रोग की मैं बात ही क्या करूं, और ये सारी बीमारियां जुड़ी है हमारी जीवन शैली से, हमारी जीवन पद्धति से और हमारे मन में होने वाले तनाव से। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम इन सब के बारे में किस प्रकार बात करें। हमारे शास्त्रों ने लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी और चौथा सुख पुरुष पुत्र अज्ञाकारी, पांचवा सुख साधु का वासा। इस प्रकार के करके हमारे 7 सुखों का वर्णन किया है। पर ये काया निरोग कैसे रहे? आज जिस वायु को हम सांस के रूप में ग्रहण कर रहे हैं वो प्रदूषित है, जिस पानी को हम पी रहे हैं वो दूषित है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की चेतावनी हमारे सामने है। सारी बीमारियों के साथ हम खान पान और तनाव को जोड़कर देखते हैं, और मैं समझता हूं कि ऐसे समय पर माइंड बॉडी और मेडिसिंस के साथ, मन और मस्तिष्क के साथ, अगर भावनाओं के आधार पर हम इस प्रकार का चैतन्य वातावरण बनाएं। अभी मैं आप सब लोगों को जब यहां शांति गीत का कि मधुर ध्वनि बज रही थी तब मैं आपके चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, एक आत्मिक शांति आपके चेहरे पर मैं देख रहा था। और इसीलिए विवेकानंद जी ने एक बार कहा कि स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, ये हमारे विचारों में, हमारे बीच में है। अब इन विचारों की ताजगी कैसे रहे इस भागमभाग युग के अंदर, जब प्रतिस्पर्धा गलाकोट है, हमारे दरकते मालूम मूल्य है, हमारे सामाजिक मूल्य टूट रहे हैं, तनाव चारों तरफ से आहर आकते घिरा हुआ है। ऐसे समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम आध्यात्मिक रूप से लोगों के मन और मस्तिष्क की शांति के लिए उनको किस प्रकार हम इस प्रकार आगे करें। आज हर व्यक्ति शांति के तलाश में है। आज आप सब लोग देख रहे हैं हमारी सामाजिक पद्धति, हमारी सभ्यता जिन आधारशिलाओं पर टिकी थी वो खंड खंड हो रही है। संयुक्त परिवार आज न्यूक्लियस परिवार में बदल गए। आज मैं और मेरा बेटा और मेरी पत्नी के आगे लोग सोचते नहीं है, पहले भावना थी मैं, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा प्रदेश। अब इन सब के बीच में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमें उन लोगों को की प्रेरणा मिले, दादी रतन मोहनी जैसी, दादी जानकी जैसी, और इस प्रकार की संस्थान के साथ निश्चित तौर पर अगर हम जुड़कर काम करेंगे तो कहते हैं जैसा खाया अन्न वैसा होगा मन। अब इन सब के बीच में जो आपने कार्यशाला जिस बात की आयोजित की है इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकल सकते हैं। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ नागरिक, और इन सब के बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि मेरा तो सपना ही एक एक आरोग्य हो राजस्थान अपना, वो तभी होगा जब मानसिक रूप से हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। मैं कई लोगों से मिलता रहता हूं, कई मनोवैज्ञानिकों से जब मैं मिलता हूं
तो वो कहते हैं कि मन का विचार शरीर की कई बीमारियों को पैदा भी करता है, और मन और शांति का विचार, निर्मल विचार, कई गंभीर बीमारियों को दूर भी भगा सकता है। ये मन की मजबूती कैसे हो, मन का विकार कैसे दूर हो, और मन के विचारों का साथ हमारा शरीर का स्वस्थ किस प्रकार जुड़ा है, इस प्रकार के निश्चित तौर पर यहाँ चर्चा करेंगे आप। और मैं समझता हूँ कि सबकी जड़ों को खोजने का अगर हम काम करेंगे तो हम फिर लौट आएंगे हमारे पुरातत्व उन धार्मिक आचरणों की तरफ, हमारे उन धर्म संदेशों की तरफ, हमारे हमारे अलग अलग समय पर हमारे देवतुल्य हुए हमारे देवताओं द्वारा दिए गए संदेश की तरफ, और हमारे पुरानी सभ्यता और हमारे पुराने आचरण की तरफ, उन सबको की तरफ हम फिर लौटेंगे। जिस प्रकार आज पूरी दुनिया आयुर्वेद के अंदर जो हमारे इलाज की पद्धति है उसके अनुसंधान में जुटी है, हमारे घरेलू नुस्खे जो पहले हमारे घरों में दादी नानी इस्तेमाल किया करती थे, आज कई अनुसंधान हो रहे हैं उन पर कि उस समय नुस्खों का उपयोगिता क्या थी, आज उनकी साइंटिफिक वैल्यू क्या है। इन सब के बीच में जब चिकित्सा विज्ञान निरंतरता से कई सोपान चढ़ता जा रहा है, उन सब के बीच में इस कार्यशाला और कार्यशाला के इस अच्छे सब्जेक्ट के लिए मैं आयोजकों को बधाई देते हुए, मैं सौभाग्यशाली हूँ दीदी माँ आप जैसे, दादी माँ आप जैसे परम पूज्य आत्माओं के चरणों में मुझे भी कुछ क्षण गुजारने का मौका मिला। आप सब सौभाग्यशाली हो जो इस देवतुल्य धरती पर आकर आप सहभागी बने हैं। मैं समझता हूँ कि आप निश्चित तौर पर मन में मानव का कल्याण लेकर आप यहाँ जाएंगे, नया संदेश और नई ऊर्जा लेकर जाएंगे। आप सबका इस राज्य में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इतने व्यस्त होते हुए भी आपने हमारे बीच में समय निकाला। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है राजेंद्र जी, अगर आप 2 मिनट रुक जाए, हमारी कैंडल लाइटिंग कर करके जाइएगा तो सभी बहुत खुश हो गए। जानकी दादी इज 100 ईयर ओल्ड ना। हाँ, कैंडल्स आगे बाहर, दादी जी को भी रिक्वेस्ट करेंगे, निर्वैर भाई जी और भी जो गेस्ट बहुत सारे होंगे। जब आपने बताया तब पता चला कि कितनी बड़ी बड़ी डिग्निटरीज आपके साथ आई है। प्लीज आइए, निर्वैर भाई जी भी हमारे साथ है। ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, तुम याद करके पवित्र बन जाओ।
आपने बहुत अच्छी बात बताई थी जो कल भी हमने कहा था, माइंड विच किल्स कैन हील मैनी डिजीज। इसके लिए और एक बहुत ही अच्छी सी बात है, कहते हैं कि इमोशंस, जो सारा खेल है हमारे इमोशंस का है, इमोशंस को जब हम ठीक से मैनेज नहीं करते हैं, वर्तमान समय जो तनाव का कारण है कि विभिन्न इमोशंस को हम सुचारू ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वह कमोशन बन जाता है। और उन्हीं इमोशंस को अगर हम सही रूप से मैनेज करें तो वह डिवोशन बन जाता है। तो बस सारी बात यही है कि हमें इमोशंस को सही रूप से मैनेज करना है। इट कैन क्रिएट मिरेकल्स। ये सत्य घटना है। लंदन में एक लेडी डॉक्टर को पैरालिसिस हुआ। वो 3 महीने तक बहुत बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट थी, हाँ ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि पता नहीं किसी भी क्षण इनकी मृत्यु हो सकती, हम सब कुछ कर चुके हैं जो जो पॉसिबल है। एक दिन उसकी फ्रेंड उसे मिलने आई तो बात बात में उसने कहा कि मुझे पक्का पता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, मुझे भी कोई डाउट नहीं है कि मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, परंतु उन्होंने कभी भी यह बात बताई नहीं है। उसकी फ्रेंड ने जाके उसके पति को भी बोल दिया तो बड़े भावुक हो गए, रात भर सो नहीं पाए, है ना, रात भर रोते रहे कि भी बिल्कुल सत्य है कि मैं अपनी पत्नी को इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि शायद उसके बिगैर जी भी नहीं सकूंगा, परंतु मैंने कभी ठीक से बात उसको बोली नहीं है। दूसरे दिन जब हॉस्पिटल में गए तो उनकी आंखों में आंसू थे और रात में अंदर में जो भी चला वो सारा बताया, हाँ, और कहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अगर तुम हमको छोड़ के जाओगी तो शायद मैं तुम्हारे बिगैर जी नहीं सकूंगा। सच मानिए 5 मिनट में उसकी कंडीशन इंप्रूव होने लगी। Within 5 hours she was 20% all right, है ना, 4 दिन में तो उसको डिस्चार्ज भी दे दिया गया। सो दिस इज द पावर ऑफ इमोशंस। बस है ना, हमें उन्हें सही ढंग से मैनेज करना है और यही सीखने आप आए। अब हमारे बीच में है शिवानी बहन को कहे थोड़ी देर सुनेंगे। ओके, वंडरफुल, ग्रेट। ओम शांति। परमात्मा इस सृष्टि पर जो कार्य करने के लिए आए हैं, जिसके बारे में हम सब कल से आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने संस्कार परिवर्तन कर ईगो से कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस पर जाना है और हमें अपने वो डिवाइन संस्कार्स, वो सत्योगी संस्कार्स इमर्ज करने हैं, तो कल से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे सामने स्टेज पर 3 ऐसी विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में वो किया है और जो इस यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर लिया है, और वो है आदरणीय दादी जानकी जी, दादी रतन मोहिनी जी और निर्वैर भाई जी। जैसे आपने सुना कि दादी जी 100 ईयर्स, आपने चारों तरफ कैंपस में देखा भी होगा कि नेक्स्ट वीकेंड दादी का 100th बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। दुनिया में अगर हम देखें तो 80-85 के बाद इज़ अ टाइम टू बी वेरी ईजी एंड रिलैक्स्ड एंड रिटायर्ड लाइफ एट होम, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एज बढ़ती जा रही है, शरीर भी उस अनुसार कुछ कुछ कहता है, लेकिन आत्मा इतनी दिव्य, इतनी पावरफुल है कि दादी ने इस साल में जितने देश और शहर कवर किए होंगे आपने और मैंने शायद जीवन काल में किए होंगे उतने। एवरी वीक शी हैज बीन इन अनदर सिटी,
Every month she has been in another country. This year she has been to the US, to the UK, to Southeast Asia, to Middle East, everywhere, because she wants to reach every soul and unke saath share karna chahte hain Paramatma ka sandesh. I have seen her very closely many times ki kitni baar agle din koi program hai aur dadi ka sharir ek din pehle kuch thoda keh raha hai to doctor dadi ji ko kehte hain aap kal nahi ja sakte. To she smiles at them because andar se unko pata hai ki doctor kahenge kuch aur lekin Paramatma ki shakti aur unki apni will power अगले दिन मॉर्निंग डॉक्टर देखते ही रह जाते हैं और दादी उठ के तैयार होकर स्टेज पर और प्रोग्राम में पहुंच जाती है. पिछले साल अक्टूबर अगस्त में जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी और सभी डॉक्टर्स इस तरह से पहुंचे थे तो दादी जी इलाज के लिए अहमदाबाद में थे तो वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सब डॉक्टर्स से मिले तो दादी ने कहा कि डॉक्टर भाइयों और बहनों मैं आपको एक बात बता रही हूँ आपकी दवा मुझे अब नहीं चलाती है लेकिन इस जीवन काल में दुआएं जो मैंने कमाई हैं वो ही मुझे चलाती हैं. तो ये तीनों विशेष आत्माएं हमारे सामने आज सिर्फ हमसे शेयर करने या ब्लेसिंग देने नहीं आए हैं. हमारे लिए ये प्रैक्टिकल प्रूफ है कि जो ज्ञान हम सुनते सुनते कई बार लगता है कि डिफिकल्ट कैसे करेंगे इन्होंने हमें करके दिखाया है. शरीर का कर्म भोग हो इतनी बड़ी संस्था को चलाने की कितनी सारी परिस्थितियां आती हैं. यू कैन इमेजिन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके 140 कंट्रीज में 9000 सेंटर्स हो, 20,000 सरेंडर्ड सिस्टर्स हो. आज एक फैमिली में एक बेटी होती है तो उसका कितना ध्यान रखना होता है. इस संस्था में 20,000 समर्पित बेटियां हैं उनका ध्यान रखा जाता है. एंड ऑफकोर्स 10,00,000 परिवार जो साथ में जुड़े हैं इन सब का ध्यान रख रहे हैं ये हमारे बड़े जो आज इस स्टेज पर हैं. तो इनकी सिर्फ हम ब्लेसिंग्स भी ना लें इनकी हम वाइब्रेशंस को अपने अंदर अब्जॉर्ब करें और आज हम प्रतिज्ञा करें कि जिस बाबा ने परमात्मा ने इनको ऐसा बनाया है 100% हम भी उसके साथ जुड़कर हम भी ऐसा बनेंगे ही. और दादी से हम आज प्रॉमिस करते हैं कि दादी के साथ सत्योग हम इस सृष्टि पर हाथ उठाओ. हम प्रॉमिस करते हैं कि सत्योग इस सृष्टि पर हम लाएंगे ही. थैंक यू सो मच. ओम शांति. अब मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रताप मिड्डा की जो ट्रस्टी भी है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बचपन से ही आपने राज्यों का अभ्यास किया है इज अ वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर लेट्स रिक्वेस्ट हिम टू शेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. ऐसे तो देखो कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है. कौन ऑब्जेक्टिव मालूम पड़ गए नहीं पड़े? अच्छा चलो लगता है नहीं पड़े तो फिर प्रताप भाई की जरूरत. ओम शांति. आदरणीय दादी जानकी जी, आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, निवय भाई जी, शिवानी बहन, दादा रॉबिन, डॉक्टर गुप्ता और इस डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग में आए पधारे हुए आप सभी भाई और बहनों, हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया डॉक्टर्स की ओर देखती है. डॉक्टर्स से बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सरकार की भी और पेशेंट्स की भी और परिवार की भी और उनके साथियों की भी. तो हम उन एक्सपेक्टेशंस तक कैसे पहुंचे? हम समझते हैं कि हम सबको संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए. ये जो माइंड बॉडी कॉन्फ्रेंस जैसे आपने सुना 32nd है, इसका आयोजन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि डॉक्टर्स कैसे संपूर्ण रूप से डॉक्टर्स बने.
अब तक हमें लोग भगवान कहते हैं, लेकिन हम समझते हैं भगवान की कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती है। हम थोड़ा सा कार्य वो करते हैं, सबके दुख दर्द को दूर करते हैं, परंतु भगवान में जो क्वालिटीज हैं, जो विशेषताएं हैं, जो कंपैशन है, जो प्रेम है, जो सहनशीलता है, जो जेनरॉसिटी है, वो शायद लाने के लिए ये माइंड बॉडी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुझे मालूम है कि हम लोग बहुत प्रेशर से गुजरते हैं, डॉक्टर्स पे स्ट्रेस बहुत रहता है, नए नए कानून भी बन रहे हैं, मेडिसिन में भी नई रिसर्च हो रही है, हमें रिसर्च के साथ भी चलना पड़ता है, तो उस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें? तो अपने मन को शक्तिशाली बनाना होगा। तो सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि डॉक्टर्स हील दाई सेल्फ, हम सबकी संभाल करते हैं लेकिन अपनी संभाल करें, ये है इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा लक्ष्य। आप देखेंगे इसकी जो विषय हैं, इसमें जो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, वो सब हमारे लिए हैं, बाहर के लिए नहीं है। तो ये सबसे बड़ा है कि हम डॉक्टर्स को एम्पावर कैसे करें, डॉक्टर अपने आप को शक्तिशाली कैसे महसूस करें। कभी हमें ये ना कहना पड़े कि ये हमारे बस की बात नहीं है। दादी जी कहते हैं कि डॉक्टर्स डबल डॉक्टर्स बने, हम शरीर का तो इलाज करते हैं लेकिन आत्मा को भी समझ सकें, आत्मा को भी वो सुकून दे सकें, आत्मा को भी शक्तिशाली बना सकें, आत्मा के रोगों को भी दूर कर सकें, वो है इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा लक्ष्य कि हम सब डबल डॉक्टर बने। दूसरा लक्ष्य है, जैसे मंत्री जी ने भी कहा कि हमारे पेशेंट्स को भी हमारे से बहुत एक्सपेक्टेशन है। बहुत बड़ा हिस्सा जो बीमारियों का है वो हमारी जीवन पद्धति से है। जब तक आप अपने पेशेंट्स को ये नहीं बताएंगे, जैसे कल शिवानी बहन कह रही थी कि क्रोध की बात है, एंगर की बात है। अब देखिए, मन और तन का इतना गहरा संबंध है, जो मन में होता है वो तन से छुए बिना नहीं गुजरता। यहां तो ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में तो हमें ये समझाया जाता है, पहले हम सुनते थे कि बुरा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। सोचने में भी हमारे तन पर प्रभाव होता है, स्ट्रेस का प्रभाव। जैसे ही आपने कुछ नेगेटिव सोचा, वो आपके शरीर को प्रभावित करेगा और फिर हमें नजर नहीं आता है, बिकॉज दिस इज अ स्लो प्रोसेस। लेकिन धीरे धीरे जो हम जीवन पद्धति से रिलेटेड कहते हैं, फिर उसके साथ एडिक्शंस आ जाती हैं। बनारसी भाई ने कहा नशा मुक्त राजस्थान बनाए, मैं डर रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम कैसे लेंगे। जब तक लोगों को हम सभी मिलकर एम्पावर नहीं करेंगे, वहां लोगों को एम्पावर करने की जरूरत। जैसे डायबिटीज की बात की, हार्ट डिजीज की बात की, तो जब तक हम लोगों की जीवन पद्धति को बदलने का उनको मैसेज नहीं देंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि जहां आप शरीर के लिए पौष्टिक भोजन की बात करते हैं वो भी आवश्यक है, लेकिन मन को भी तनाव मुक्त रखना है, मन को भी शांत रखना है, मन को भी संतुलित रखना है, तभी शरीर संतुलित रह सकेगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए हमें एक परिवर्तन लाने की जरूरत है। वो परिवर्तन मेडिकल एजुकेशन से आरंभ होगा। हम जिस समय मेडिकल कॉलेजेस में पढ़े थे तब ये कोई बात नहीं करता था, लेकिन हमारे यहाँ एनेक्डोट्स थे, कहते थे खुशी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा रोग नहीं। हम सब जानते थे, आयुर्वेद में ये पता भी था, लेकिन उसको हम प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते थे, इसलिए धीरे धीरे भूलते गए। तो आज आवश्यकता है इस माइंड बॉडी मेडिसिन से ये मैसेज जाना चाहिए कि हर हॉस्पिटल में, हर नर्सिंग होम में, हर डॉक्टर्स के कंसल्टिंग रूम में क्वाइट रूम चाहिए। एक रूम वो हो जिसमें लोग शांति से बैठ सके, जिसमें वो रिफ्लेक्ट कर सके। तो ये आवश्यकता है। हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन जरूरत है तो स्पिरिचुअलिस्ट की। तो जब मेडिसिन और स्पिरिचुअलिटी का ब्लेंड होगा, तभी हम वो एक स्वस्थ समाज बनाने की कल्पना कर सकते हैं। उसको साकार करने की तो मेहनत करनी पड़ेगी,
लेकिन कल्पना के लिए भी आपको स्पिरिचुअलिटी और मेडिसिन को टुगेदर ब्लेंड करना होगा। यही इस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य है। मैं यही समझता हूँ कि आप सभी यही मैसेज लेके जाएंगे कि हमें अपने आप को सशक्त बनाना है, अपने पेशेंट्स को सशक्त बनाना है और एक सशक्त चिकित्सा पद्धति की नींव रखनी है। धन्यवाद। प्रताप भाई ने आपको लक्ष्य तो बताए, परंतु और एक ये भी लक्ष्य है कि यहां पर आपको प्रैक्टिकली सिखाना। हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वहां पर थियरीज होती है। एक बिजनेसमैन यहां आए, तब दादी प्रकाशमणि जी चीफ थे, तो कुछ समय के बाद वो दादी जी को मिले तो उन्होंने पूछा कि दादी जी मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, आपके जो सारे यहां स्वयं सेवक है उनको आप कौन सी टूथपेस्ट देते हो? सारे स्माइल कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली आप सब सीख रहे हैं ना कुछ, जब से आए आप ऑब्जर्व करना आप सीखेंगे। सब एक बार खड़े हो जाएंगे। देखो कैसे मिलना है वो भी सिखाना है। प्रताप भाई को इसीलिए मैंने रोका, प्रताप भाई कम हाँ देखो हाँ हाँ एक एक पार्टनर बनाइए। हाँ मैं टाइम सेव करता हूँ। देखो है ना, मिलना है तो बोलते हैं ना हेलो, आप बोलो हेलो, नहीं हाथ मिला बट व्हाट यू से आफ्टर दैट इज अब हाँ अभी ये सीख के जाना है। अभी बोलना ओम शांति, फिर ये बताना है कि आप महान आत्मा हो, बोलो आप इस धरती पर परिवर्तन करने आए हो। थैंक यू, बोलेंगे सभी? ओके थैंक्स, प्लीज सिट डाउन।